अखाड़ा किसने मार तू बेटा तो बुलाया हुए इसके अंदर भूत है जब तेरे अंदर भूत है तो मैं क्या करूँ फिर नाला है बुलाया अपने पति को पिटवा रही है लड़की पटाएगा। हाँ जी दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट में। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है इस लड़की का क्या नाम है तुम्हारा आरती का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंस्टा पे बहुत सारा मैसेज करके बता रही थी इसका 15 दिन पहले शादी हुआ है ना इसके पति इसको कुछ भूत ऊत बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तुम ही बताओ। मेरी 15 दिन पहले शादी हुई है और मेरे हस्बैंड वगैरह मेरी शादी के अगले दिन ही मेरी सुहागरात वाले दिन ही मेरे को बोल दिया क्या नाम है तेरे अंदर भूत है। अच्छा हाँ तू तेरे अंदर नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था मैं तो नॉर्मल थी जैसे अपने घर में रहती हूँ वैसे नॉर्मल थी। अच्छा। बट मैं कुछ बोल नहीं रही थी यार अब शादी वाले दिन कौन इतना बोलता है तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तेरे अंदर भूत है तू चली जाए यहाँ से और फिर 15 दिन बाद मैं अपने घर पे आ गई वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करने लगे उनके घर वाले कि तेरे अंदर भूत है तू चली जा तू हमसे दूर रहा कर ये है वो है। मैं समझ चुकी हूँ कि वो मेरे पापा का बिजनेस में लॉस हो गया था तो मेरे पापा ने बोला था मैं दहेज दे दूंगा तो मेरे पापा ने आधे पैसे दहेज तो बाकी था कुछ हाँ मेरे पापा ने आधा तो दहेज दे दिया था और कुछ पैसे की मांग हुई थी तो वो पैसे देने वाले थे पापा बट उनका लॉस हो गया था बिजनेस में इसलिए वो दे नहीं पाए तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे दहेज तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे वो बार बार इनडायरेक्ट बोल रहे कि तेरे अंदर भूत है और तू चले जा हमारा घर छोड़ के मतलब वो घुमा फिरा के पैसे घुमा घुमा दहेज का ही मैटर आ रहा है। तो मैं घर पे आ गई तो वो मेरे फैमिली वाले बोलने लगे क्या बात है मैं अपने घर में भी नहीं बता सकती ऐसी बात है क्योंकि अभी पापा का भी बहुत लॉस हो रखा है पापा को भी परेशान नहीं कर सकती। तुमको अपने पति से बात नहीं करना चाहिए था मैंने क्या बात करूँ मैं बात नहीं मैं बात करती हूँ तो बोलते तू दूर रह जब मैं तेरे कुछ करवाऊँगा भूत वूत उतर जाएगा तब आई हो मेरे पास ही है वो बात ही नहीं करते मेरे से बिल्कुल ऐसा फर्स्ट नाइट नहीं हो रहा है पहले दिन से ही हो रहा है ये। तुम इंस्टा पे भी मैसेज करके बता रही थी कि तुमको पढ़ने वढ़ने हाँ मेरे को तो अभी ये शादी भी नहीं करना था बस मैंने पापा की वजह से कर लिया क्योंकि मेरे को तो अभी पढ़ाई ही करनी थी। ये सब बात अपने पति को बताना चाहिए था ना वो सपोर्ट नहीं कर देगा तुम्हारे वो बात ही नहीं कर रहे ना वो मेरे को क्या पता था उसके घर वाले उसके पापा तुम्हें ससुर जी सासुर जी कोई नहीं बात करता नहीं कोई नहीं बात करता मेरे को पहले दिन ही बोल दिया जाने के लिए वो तो मैं कैसे तैसे रुक कर 15 दिन बाद आई हूँ घर पे। वो आ सकता है कि नहीं यहाँ पे बुलाओगी तो मैं बुलाऊंगी तो नहीं आएगा अगर हाँ मैं कुछ ऐसा बोलूंगी लालच दो जिससे कि वो यहाँ पे आ सके कॉल करो नंबर है ना नंबर तो होगा ही कॉल करो हेलो हाँ बोलो हेलो कहाँ पे हो बाहर आया था मेरे को मिलना था तुमसे क्यों मिलना अरे कुछ काम था यार मेरे को नहीं मिलना यार मैं यार तेरे साथ यार नहीं रहना चाहता यार तेरे अंदर भूत हो गया यार मेरे को कुछ कर देगी यार मेरे घर वालों को कुछ कर देगी यार इसलिए मैं नहीं रहना चाहता तेरे साथ। अरे तुम मत रहो बस मैं एक मिनट मिलना चाहती हूँ कुछ बस 5-10 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ बस मेरे को कुछ बात करनी है उसके बाद में मैं कभी नहीं बोलूँगी तुमसे मैं खुद अलग हो जाऊँगी। अच्छा हाँ चल मैं अपने यहीं पे खड़ी हूँ अपने घर के जो मेरे घर के पास वाला पार्क है ना हाँ मैं वहीं खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा तो आप बस 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज चल ठीक है सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊँगा उससे ज़्यादा नहीं आऊँगा। हाँ हाँ ठीक है बस 10 हाँ हाँ पक्का पक्का बस 10 मिनट के लिए आ जाओ चल ठीक है आ रहा हूँ ठीक है। एक काम करो इसे छुपा लो उसे बुलाओ बात करो पहले मैटर जो भी है उसको पूछो उसे क्या क्लियर करो कि क्या चाहते हो मतलब क्यों नहीं रहने रहे ठीक है उसे छुपा ले। A few moments later. हाँ बोल क्या बोल रहा था आ गए तुम हाँ बोल क्या बोल कुछ नहीं यार मेरे को कुछ बात करनी थी क्या बात करनी सुन मेरी बात सुन तू ठीक है तेरे अंदर भूत है ठीक है और मेरे घर वाले मैं अपने खतरों में नहीं डाल सकता अपने घर वालों को यार मेरे अंदर कहाँ भूत है यार अंदर भूत है यार तेरे अंदर भूत है इसीलिए तो मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। अगर मेरे अंदर भूत था तो ये शादी से पहले क्यों नहीं दिखा शादी करने के बाद शादी से पहले भी दिखा था पर मैंने बोला नहीं तेरे को तो यार उसी टाइम बोल
बोलना चाहिए था ना, अब तो मेरी लाइफ खराब हो गई ना। अगर लाइफ खराब हो चाहे कुछ, और पहली बार मेरे अंदर भूत नहीं है यार, मैं नॉर्मली तो बात कर रही हूं। चाहे कुछ भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तेरे अंदर भूत है ठीक है। मैं अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए ना मेरे घर वाले तेरे साथ है ना मैं तेरे साथ हूँ। तेरे को जो करना है तो कर ठीक है ना, अब मेरे को उन सबसे कोई मतलब यार मैं नॉर्मली तो रहती हूँ, नॉर्मल जैसे अपने घर में रहती हूँ वैसे तुम्हारे घर में रहती हूँ। क्या नॉर्मल रहती है यार, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है आप मेरे को। क्या ऐसे अच्छा लगता है, तू तेरे अंदर भूत है जब अभी हमारी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ और तुमने मेरे को घर से निकाल दिया। टाइम नहीं हुआ तो क्या बात हो गई, डिवोर्स कर लेंगे यार, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है, मैं तो लड़की हूँ ना, ऐसे जल्दी डिवोर्स करेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि तेरे अंदर भूत है, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है यार। कहाँ से भूत है, मैंने सब कुछ करवा लिया, मैंने हर जगह दिखवा भी लिया। फिर तो क्या दिखवाया तूने, कहाँ दिखवाया? मैंने अपने यहीं पे पास में बाबा रहते हैं, मैंने उनको भी दिखाया, मेरे अंदर कुछ नहीं है यार ऐसा। नहीं है यहाँ पे, तू झूठ बोल रही है ठीक है? मैं झूठ नहीं बोल रही सच्ची, मैं ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसे झूठ मत बोल ठीक है ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस मेरे को ये बता दो प्लीज। नहीं देख, तेरे अंदर भूत है बस, मैं देखो मुझे बात पता है कि तुम मेरे से भूत के ये सब जो भी तुम बात बोल रहे हो इस वजह से तुम मेरे से नहीं रहना चाहते, कुछ और बात है? नहीं यही प्लीज बात मेरे को बता दो कि क्या बात है, अगर बात हो सकेगा तो मैं कर, यार मैं वो चीज कर लूंगी यार। यही बात है, फिर तू अलग अगर कुछ बात होगी तो मैं वो चीज करूंगी ना, मैं बोल रहा हूँ। मेरे को तो पता चले क्या बात है, समझ में नहीं आ रही यार, बताओ तो यार। मैं बोल रहा हूँ ना यार, हाथ बात क्यों उठा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जब यही बात है फिर यार प्लीज मेरे को बता दो ना यार, बोल रहा हूँ ना ये बात है। हाथ रखा क्या हो गया यार, ऐसी बता दो ना क्या बात है। ऐसी क्या बता दूं, जब तेरे अंदर भूत है तो मैं क्या करूं फिर, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ यार। कोई भूत नहीं है यार, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तुम बताओ तो, रीजन तो दो मेरे को, आज ये कोई रीजन नहीं हुआ। तेरे बाप ने क्या बोला था? क्या बोला था तेरे बाप ने, क्या बोला था याद कर, क्या बोला था? कि शादी के रात कोई पैसे दहेज के जितने बचे हुए थे सब दे देगा। आए अभी तक तो यार ये बात थी, तो मेरे को तुम पहले क्लियर करते ना ये चीज। तो पहले क्लियर करता, अभी तक देख ले आधे पैसे आ रखे हैं। मैं कहीं से भी करती, किससे भी मांगती, मगर मैं तुमको ये चीज करती मांगने की बात ही नहीं है। तेरे बाप ने जब बोला था मेरे को पैसे देगा, फिर मगर तुम फैमिली में सब में बोल रहे हो कि मेरे अंदर भूत है, उन वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मैं क्या करूँ और बता, तेरे बाप जब मेरे को पैसे नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो यार मेरे पापा को बोला था कि दहेज के पैसे देगा, मेरे को मेरे पापा का बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए तो नहीं दे पाया ना। बिजनेस में लॉस हो या चाहे कुछ भी हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। तेरे बाप ने बोला था कि बेटा मेरी बेटी से शादी कर ले ठीक है, मैं शादी के रात को तेरे को पैसे दे दूंगा। चल मैंने मान लिया, आधे पैसे दे दिए उसने तेरे बाप ने ठीक तो है। यार अगर नहीं देने होते तो आधे भी नहीं देते ना पापा। हाँ तो अभी तो मेरे को रात उसी रात को चाहिए थे ना, मेरे को उसी रात को जरूरत थी। तो यार आप मेरे से बोलते तो एक बारी, मैं थोड़ा टाइम बोलती, मैं कहीं से भी ले लेती। चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तो यार पैसे की नीड तो मेरे को बता देते एक बारी। पैसे की नीड की बात ही नहीं है, जब तेरे बाप ने बोला है देगा तो मैं क्यों तेरे से मांगूं पैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ फंस गई हूँ यार, मेरे को तो शादी भी नहीं करनी थी तुमसे। शादी नहीं करनी थी तो की क्यों, मेरे को कौन सी करनी थी, मेरे को बस पैसों से मतलब था। तेरे बाप ने आधे पैसे दिए आधे पैसे देगा, मतलब तुमने मेरे से पैसे के लिए शादी की थी? हाँ पैसे के लिए शादी की थी मैंने। यार क्या इंसान हो यार तुम, एक लड़की के साथ शादी करने के बाद तुम वो सब, अगर पैसे नहीं दे पाए पापा तो तुम मेरे को घर से निकाल रहे हो यार, ये क्या है? वो सब बात छोड़, तेरे बाप ने बोली थी मेरे को कि उस शादी के रात को पैसे देगा वो मेरे को ठीक है, पर अभी तक पैसे दिए नहीं है तो मैं क्या करूँ बता। तो तुमने झूठा नाम लगा दिया कि तेरे अंदर भूत है? हाँ लगा दूंगा क्यों यार, कम से कम अपनी नहीं तो मेरी नहीं तो अपनी तो सोचते कि तुम्हारी फैमिली वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ तो सोचने देना, मेरी फैमिली में कौन सा कुछ हो रहा है, मैं तो तेरी बदनामी कर रहा हूँ, मेरी बदनामी थोड़ी हो रही है उसमें, मैं तो तेरी बदनामी कर रहा हूँ। तो यार मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ यार, अब तो मैं आपकी वाइफ हूँ ना, आप मेरी बदनामी कर रहे हो, आपकी बदनामी मेरी बदनामी एक ही बात है ना। कोई मतलब नहीं है ठीक है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है। तूने तेरे बाप ने बोला था, बोली थी पैसे देगा ना, तो यार बाप ने बोली थी पैसे देगा ना। एक मिनट, क्या कर रहे हैं तू, कौन है बता, तू इससे ज्यादा भी क्या कर रहा है बताना पहले तू। ये हम लोग का पर्सनल मैटर है, तू क्यों बीच में आ रहा है? क्या पर्सनल मैटर है, तू क्यों बीच में आ रहा है ये तो बता, तू है कौन, तूने इसको बुलाया है? तूने बंदे बुलाया मेरे को? मैंने नहीं, तूने बंदे बुलाया मेरे को मारने के लिए? मैंने यार तुम्हारी सच्चाई दिखाने के लिए बुलाया है यार, तुम मेरे से शादी करने के बाद तुम ये हरकतें कर रहे हो यार, ये क्यों बीच में आ रहा है यार? ये तो ना कोई बात होती है, मेरी लाइफ खराब कर रहे हो तुम, मेरी लाइफ खराब कर रहे हो। हो गया, बोलिए क्या है, बीच में क्यों आ रहा है ये बता। बोलिए हाथ कैसे लगा रहा है, हाथ कैसे लगा रहा है, हाथ कैसे लगा रहा है, भोसड़ी है कौन ये बताना, तू क्यों आ रहा है?
बीच में आ रहा है, झूठ बुलाया है। क्या रे? इधर आ, इधर। किसने मारा? कौन है तू ये बता? हम लोग का पर्सनल मैटर। तेरा बाप है रे भोंसड़ी के। क्या पर्सनल मैटर है? खड़ा खड़ा। पर्सनल मैटर क्या है? तेरा बाप है भोंसड़ी के। किसने मारा है? लड़की पटाएगा। खड़ा हो। ओए किसने मारा? आओ एक एक तो बोल रहा भूत है। खड़ा। किसने मारा? खड़ा हो। भूत है। भूत है। भूत है। क्या भूत है? इधर आना। इधर कहाँ भूत दिख रहे हैं? कहाँ भूत है? बताइए। पैसे लेने थे तो यार पैसे। कहाँ भूत है? कहाँ भूत है बता ना। कहाँ भूत है बता ना। कहाँ भूत है बता बाबू। बोल क्यों नहीं रहा? किसके अंदर भूत है? पैसे चाहिए। तुम लोग कौन हो भाई? तेरे को बस किसको बुलाया? अपने पति को पिटवा रही है तू? है तू पति है? तू साला नल्ला है। नल्ला जान गया? तू नल्ला है। नल्ला है। किसने मांग रहा है? किसने मांग रहा है? इसके बाप ने बोले नल्ला है। इसके बाप तुझे बीजे चाहिए हो? दही चाहिए हो? क्या चाहिए? मेरे को पैसे की जरूरत थी इसीलिए मैं बोला था। तू सुहाग रथ क्यों भागा है घर से? सुहाग रथ पहले नाइट ही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? उसके अंदर भूत है। इसके अंदर भूत है। क्यों भागा? तेरी बीवी है ना, तेरी इज्जत है। इसके अंदर भूत है। क्यों हटा? इसके अंदर भूत है। इसके अंदर भूत है। बता ना किसके अंदर भूत है रे? अभी बता ना। बता भोसड़ी के। बता ना किसके अंदर भूत है रे? किसके अंदर भूत है? बता किसके अंदर भूत है रे? लाद कर दे उठा। किसने मांग रहा था? क्या चक्कर है? मेन चक्कर बता। चक्कर क्या है तेरे से? दहेज लेगा? दहेज लेगा? दूध दहेज तुझे? पैसे की जरूरत थी इसलिए मांग रहा था। तो ऐसा बोला जाता है? दहेज लेगा? अभी उसको आए हुए एक नाइट भी नहीं हुआ था। एक नाइट भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? नहीं हुआ था एक नाइट भी? उसको तूने छोड़ दिया। घर का हर लोग उसको परेशान करता है। तेरे को समझ में नहीं आया? तेरे को नहीं समझ में आ रहे? हाँ समझ में? समझ में नहीं आया? खड़ा हो बेटा। खड़ा हो। खड़ा हो। खड़ा खड़ा हो। खड़ा हो जाइए। पत्नी के साथ कोई ऐसा करता? साला मेरे को लज्जा रहा है तेरे पे। तू इंसान नहीं साला कमीना है। रो रही है तेरी बीवी तेरे सामने। अच्छा लग रहा है तुझे? पत्नी को लोग अर्धांगनी बोलता है। अर्धांगनी तू मांग रहा है? वो पति है ना तेरी, क्यों नहीं रखता है साथ में उसे? अभी क्या बोल रहा था तेरे बाप ने? अभी क्या बोल रहा था? सही सलामत तेरे पास काम कर सकता है ना? क्यों दहेज मांग रहा है? अभी इधर आ। देखा तुझे अच्छी नहीं लगती है? अच्छी नहीं लगती है क्या? क्या करना है इसमें बता। पूछ रहा हूँ। बोल गया नहीं रहा? बोल ना। पूछ रहा हूँ ना, क्या करना है इसमें बता। अभी क्या बोल रहा था कि तेरे बाप? अभी क्या बोल रहा था तू कि तेरे बाप ने मेरे को पूरा दहेज नहीं दिया है ना? इधर आजा बेटा। बेटा दहेज नहीं दिया है? दहेज नहीं दिया है? मारो मत। दहेज चाहिए ना तेरे को? दहेज? दहेज तोड़ दूँ? तोड़ दूँ? तोड़ दूँ? दहेज चाहिए? दहेज दहेज चाहिए ना? दहेज चाहिए। मेरे को शौक थोड़े मारने का यार, तू बहन जैसा है मेरी। अब बहन के साथ बहन का लोड़ा ये करता है ऐसा? अभी क्या करना है? क्या करेगा? इसको रखेगा या नहीं? बोल है रखेगा ना? खड़ा हो जा। खड़ा मत कीजिए ना इसको। खड़ा मत कीजिए इसको, पैर तोड़ देंगे आज। साथ में रखेगा ना? नहीं रखेगा तो एक बात बस, उसके अंदर भूत नहीं ना है तो फिर उसको कहे बदनाम किया हर जगह? कहे बदनाम किया रे? उसके जब अंदर भूत नहीं है, जब तुझे पैसे ही चाहिए थे तो बोलना चाहिए यार। उसके घर वालों से बोलना चाहिए ना। उसको तो तू बदनाम कर दिया ना। हर किसी का एक सपना होता है शादी के बाद अपने हाथ में।
तो तू क्या शादी हुआ? वो रो रहे थे, वो रो रहे थे, हमको रुलाई हरा था उसे, ये बता रही थी। मीना लग रहा लोग जीते मरते हैं, ये किसके साथ रहेगी बताओ, जब तुम्हें साथ नहीं दे रहा तो करेगा फिर से ऐसा? नहीं करूँगा। या भेजू तुझे जेल डायरेक्ट पर्ची कटा के? नहीं नहीं है, अब से इसके साथ रखूँगा अपने साथ। पक्का ना? पक्का। मुर्गा बन, अभी मुर्गा बन कर उसे सॉरी बोलेगा तू? बन मुर्गा, ठीक पता है हमारे पास सारा प्रूफ भी है, इसको मुर्गा बनाइएगा जरूर, मुर्गा बनाइएगा तभी सुधरेगा। भूत साबित करने में इसको टाइम ही नहीं लग रहा है ना, तो मुर्गा बन, बन मुर्गा जो भी बोलना है। मैं आपके साथ ही रहूँगा, कुछ आपको सारा बदनामी अपने ऊपर ले लूँगा, कुछ सबको बोल दूँ। इतना बदनाम कर दिया फैमिली ने, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा, मैं सबसे सबको बोलेगा तू मुर्गा बन, बन मुर्गा, भांसड़ी सबको क्या करे, तू मुर्गा बन, मुर्गा मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन, फिर ऐसा नहीं करेंगे तुम, ऐसा नहीं करूँगा पक्का ना। मुर्गा बन, मुर्गा मुर्गा बन, बन मुर्गा, तो मुर्गा बनेगा तभी छोड़ूंगा। मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ जब वो बोली ना भूत है, तो किसी के अंदर भूत कह देगा है? किसी के अंदर, किसके अंदर, किसी के अंदर भूत कह देगा? आगे से ऐसे गलती मत करिए, ठीक है, हाथ पकड़ो लेके जाओ इसका, हाँ उसका ख्याल रखना। इसके बाद से अगर कंप्लेन आ गया ना भूत वूत का, कुछ भी बेटा मार दूंगा, ठीक है, थैंक यू भैया। चलो कोई भी चीज़ होगा तो बताना, ठीक है ना।